अब आप इसे बेवकूफी समझिए या बदतमीजी, लेकिन अगर आपने आज इस बिंदिया का साथ दिया ना, तो हम ये भी करके हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ देंगे। बाबू ये क्या कर रहा है, इस नीच लड़की के लिए अपनी जान देने पे उतारू हो गए? आज नहीं मम्मी, आज नहीं। पापा का आखिरी फैसला ही हमारी जिंदगी और मौत का फैसला करे। आपका आखिरी फैसला क्या है, कृष्णा या बिंदिया? देखिए इस पालने को पापा, इस पालने में अब कोई नहीं खेले। इन खिलौनों को देख रहे हैं, इन खिलौनों से खेलने वाला अब घर में कोई नहीं आएगा। और ये फोटो फ्रेम देख रहे हैं पापा, देखिए अब इसमें किसी की तस्वीर नहीं लगेगी, अब इस घर में कभी भी बाबू के बाबू की खिलकारियां नहीं गूंजी। अगर तुम्हारी आखिरी इच्छा यही है तो हम ये भी पूरी कर देते। कृष्ण ने बिंदिया को दी खुद को मार डालने की धमकी। कृष्ण निकाला बिंदिया को घर से बाहर। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर। दरअसल हम बात कर रहे हैं कलर्स टीवी शो सुहागन की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में हम देखेंगे कि किस तरीके से कृष का गुस्सा बिंदिया पर फूट पड़ेगा। यहाँ पर कृष बिंदिया को अपनी नजरों से दूर जाने की बात कहता है और घर से निकाल देने की धमकी भी देता है। तभी बलदेव कृष के सामने बिंदिया की साइड लेते हुए नजर आता है और कहता है बिंदिया सच बोल रही है। कृष को ये बुरा लगता है कि सारा सच सामने होते हुए भी बलदेव बिंदिया की साइड ले रहा है, लेकिन तभी कृष बलदेव को कहता है मेरे होने या ना होने से क्या होगा, क्योंकि आपको तो बस बिंदिया पर भरोसा है। और कृष पॉइजन की बोतल यानी कि जहर की बोतल अपने हाथों में ले लेता है, जिसे पीने जा रहा होता है। तभी बिंदिया कृष के हाथ से बोतल को गिरा देती है और कृष को कहती है आपको बापूजी पर इतना दबाव डालने की जरूरत नहीं है, मैं घर से जा रही हूं और जाने से पहले एक बात और कहना चाहती हूं। आपके हाथ में जो ये जहरीली बोतल है ना, उससे भी ज्यादा जहरीली पायल है, जिसे सुनने के बाद पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है कृष। लेकिन फिर भी कृष कहीं ना कहीं बिंदिया की बातों को टालते हुए नजर आता है। वेल, अब देखना होगा काफी दिलचस्प कि क्या कृष के सामने आएगा पायल का सच या फिर वाकई ही बिंदिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा घर। क्या लगता है आपको, अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।